नमस्कार, शुभ वास्तु कार्यक्रम को स्वागत है। मैं वास्तु पंडित साईराम। देखिए, वास्तु में बहुत अच्छा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। वो पॉइंट्स देख के आप वास्तु सीख सकते हैं। घर में जो भी वास्तु का समस्या होगा, हमारा प्रॉब्लम्स देखने के बाद बहुत डाउट्स क्लियर हो जाती है। आगे दोस्तों, आज का वास्तु संदेश प्रोग्राम में घर के अंदर अलग अलग टाइप्स ऑफ टैंक्स बनाना पड़ता है। हर घर में पानी टैंक या सेफ्टी टैंक या स्विमिंग पूल वॉरहेड टैंक्स, ऐसा अलग अलग टैंक्स घर के अंदर बनाना पड़ता है। मगर ये टैंक्स वास्तु के हिसाब से कौन सा दिशा में बनाना है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए सेप्टिक टैंक मतलब घर के अंदर गड्ढा करके टॉयलेट का वेस्टेज जाने के लिए बनाने वाला सेप्टिक टैंक है। मतलब यूरिन या लेटरिन सब एक जगह में जमा करने के लिए एक टैंक बनाना पड़ता है। कुछ कुछ गांव में वो ज़रूरी है। मतलब वो सेप्टिक टैंक बनाना है घर में वायु दिशा में। मतलब हर घर का अग्नि में किचन, साउथ वेस्ट में बेडरूम, ईशान्य में पूजा कैसा है। मतलब लेटरिन बनाने के लिए, लेटरिन जाने का स्टॉक करने के लिए एक टैंक जरूरी है। वो टैंक बनाना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इज़ सूटेबल फॉर सेफ्टी टैंक। बट ऐसा सेफ्टी टैंक बनाना है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में उत्तर दिशा में, वो भी उत्तर दिशा तरफ बनाना है। मतलब पश्चिम दिशा में, पश्चिम वायु में सेफ्टी टैंक बनाना मना है। उत्तर वायु में सेफ्टी टैंक बनाना अलाउड है। उत्तर सेंटर तक वो बना सकते हैं। वैसा वही सेफ्टी टैंक सपोज आपका घर में पश्चिम दिशा में है, वो बहुत डेंजरस है। वो तो जेंट्स हेल्थ ख़राब होगा, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ऐसा समस्या होने के लिए चांसेस है। वही सेफ्टी टैंक आपका नैऋत्य कोण में है, वो नैऋत्य कोण में सेफ्टी टैंक है तो घर के अंदर मेजर ऑपरेशंस, एक्सीडेंट्स होता रहता है। सेम सेफ्टी टैंक आपका दक्षिण में बना दिया, वो लेडीज़ के ऊपर हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगा और फाइनेंस में इफेक्ट होने के लिए बहुत चांसेस है। सेफ्टी टैंक को फिर अग्नि में बना दिए, अग्नि में बना सकते हैं सेकंड ऑप्शन में। मतलब पूरा अग्नि तरफ नहीं है, पूरब से अग्नि के बीच में, मतलब सेंटर ऑफ द ईस्ट टू अग्नि के कॉर्नर से सेंटर करके आप सेफ्टी टैंक बना सकते हैं। मतलब वही सेफ्टी टैंक दक्षिण अग्नि में बना है। मतलब ईशान में कभी सेफ्टी टैंक नहीं बनाना है, वो तो भगवान की स्थान है। इसलिए दोस्तों, सेफ्टी टैंक उत्तर वायु स्थान या पूर्व अग्नि स्थान में सेफ्टी टैंक बनाना अलाउड है। फिर ऐसा पानी टैंक, मतलब अंडरग्राउंड में पानी स्टोरेज रखने के लिए एक तो जगह होना है घर में, वो अंडरग्राउंड में रखना चाहिए। तो उसी पानी टैंक को ईशान कोने में बनाना बहुत अच्छा है। हर घर में पानी अंडरग्राउंड टैंक या कुआं या बोरवेल, स्विमिंग पूल जो भी है, वो तो पूरा ईशान कोने में बनाना बहुत अच्छा है। वैसा बनाना है तो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक को उत्तर ईशान में या पूर्व ईशान तरफ बनाइए, वो घर के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट्स है। आपका घर के अंदर स्विमिंग पूल भी बनाना है तो वो स्विमिंग पूल सिर्फ ईशान कोने में बनाना है। मतलब भूमि में गड्ढा करके गड्ढा के नीचे स्विमिंग पूल रखना है तो वो सिर्फ उस नॉर्थ ईस्ट कोने में, उत्तर या पूर्व जो भी ईशान कोने में स्विमिंग पूल बनाना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं घर में। फिर ऐसा आप ओएच टैंक, मतलब ओवरहेड टैंक, मतलब पानी रखने स्टोर करने के लिए ओएच टैंक मतलब घर के ऊपर बनाना पड़ता है। वैसा घर के ऊपर आप वाटर टैंक बनाना पड़े तो वो वाटर टैंक सिर्फ साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनाना बहुत अच्छा है। उधर नंबर वन स्थान है, वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में बनाने के लिए आपको चांस नहीं। तो वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक को दक्षिण सेंटर में भी अलाउड है, पश्चिम सेंटर में भी अलाउड है। वो तीनों दिशा में, मतलब नैऋत्य नंबर वन है, दक्षिण और पश्चिम नंबर टू है, उस कोने में वाटर टैंक बनाना अलाउड है। मतलब ओवरहेड टैंक कभी नॉर्थ ईस्ट कोने में मत बनाना है, ईशान कोने में, ईशान रूम के ऊपर कभी ओवरहेड टैंक बनाना गलत है, क्योंकि ऊपर वजन हो जाएगा, वो घर के लिए बहुत नेगेटिव इफेक्ट देते हैं। इसलिए दोस्तों, टैंक्स घर के अंदर
अलग अलग टाइप टैंक्स बनाने के टाइम में किधर बनाना है अभी आपको सुना है, उसके हिसाब से घर में आप इसको इम्प्लीमेंट करा दीजिए। सपोज़ आपका घर में ऐसा सिस्टम में नहीं तो उसको सही सिस्टम में चेंज करके बनवाइए, आप अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। यही प्रोग्राम आपको अच्छा लगे तो इस प्रोग्राम को आप लाइक एंड शेयर करवाइए। आगे हमारा प्रोग्राम्स देखते रहिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।